हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का इस वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसे जिगजैग प्लांट के नाम से जाना जाता है, इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। ये डेविल्स बैकबोन के नाम से भी जाने जाते हैं और स्लीपर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसके खूबसूरत पत्ते इस प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। मेरे पास दो कलर के वैरायटी हैं, एक पियर, एक पूरे ग्रीन वाले। इसके पत्ते पूरी तरह से ग्रीन होते हैं और एक ये देखिए एक येलो स्टिप वाले। ये दोनों वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लांट मैं ग्रीन वाले लगाई हूँ, इस प्लांट से ही स्टीम कटिंग से लगाई हूँ। आप देखिए इस प्लांट में ही कहीं कहीं आपको पूरे ग्रीन इसके पत्ते नजर आते हैं, ये देखिए। तो आप इसे कट करके दूसरे गमले में लगा दें तो पूरी तरह से ये बिल्कुल ग्रीन लिप्स निकलेंगे और इसमें एक और भी कलर आने और इसमें एक कलर और भी देखने को मिलते हैं, पूरे येलो। ये देखिए इस तरह के लिप्स वाले, ये देखिए, ये भी मैं इसी प्लांट से लगाई हूँ। इसकी छोटी सी अभी कटिंग लगाई हूँ और इसमें पूरे लीव्स येलो होंगे, यानी कि अगर आप इसकी कटिंग अलग अलग गमलों में लगा दें तो एक ही प्लांट से आपको कई वैरायटी देखने को मिलते हैं। ये प्लांट सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट हैं, जिसके ब्रांच आप देख सकते हैं थोड़े से गद्देदार और मॉइस्चर युक्त होते हैं। इसके ब्रांच में पानी भरे होते हैं। अगर हम इसके केयर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सॉइल के बारे में जानें तो ये प्लांट बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल, यानी कि वैसे सॉइल को पसंद करने वाले प्लांट हैं जिसमें सैंड की मात्रा ज्यादा हो। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे एक पार्ट के करीब सॉइल ली, उसमें दो पार्ट के करीब आप सैंड मिलाएं और एक पार्ट के करीब कंपोस्ट मिलाकर इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। यानी कि सैंडी लूम सॉइल को पसंद करने वाले प्लांट हैं। और जो भी आप पॉट में लगाते हैं उस पॉट का ड्रेनेज होल भी आप अच्छा रखें, क्योंकि ये प्लांट को मॉइस्चर नहीं पसंद। मॉइस्चर के कारण इन प्लांट के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप इसमें वाटरिंग देते वक्त इसके सॉइल को हमेशा देखते हुए वाटरिंग करें। अब हम इसके सनलाइट के बारे में जानें, इसकी क्या सनलाइट रिक्वायरमेंट है, कितने सनलाइट चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को नहीं पसंद करते। आप इसे ब्राइट लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर वैसी जगह का लोकेशन दें जहां पर आफ्टरनून सनलाइट इस प्लांट पर ना मिले, क्योंकि आफ्टरनून सनलाइट से इसके पत्ते जल से जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं आप मॉर्निंग की सनलाइट इस प्लांट पर दे सकते हैं और इवनिंग की सनलाइट आप इस प्लांट पर दे सकते हैं, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से हो। अगर आप ठंडे प्रदेशों से निवास करने वाले हैं और इस प्लांट को लगाना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी इस प्लांट पर ओवरवाटरिंग ना करें। कम से कम आप इसमें पानी डालें। अगर आप ओवरवाटरिंग से इस प्लांट को बचा लें तो सालों साल आपके गार्डन में ये प्लांट रह सकते हैं, क्योंकि ओवरवाटरिंग के कारण ही ये प्लांट खराब होते हैं या रूट रॉट की समस्या से घिरे रहते हैं। और ठंडे प्रदेशों वाले कोशिश करें वैसी जगह का लोकेशन दें, यानी कि वेस्ट साइड के विंडो में या बालकोनी में इस प्लांट को रख सकते हैं। अब हम इसके डिजीज के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस प्लांट में ज्यादातर आपको मिलीबग, स्पाइडर माइट्स देखे जाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कोई भी डिजीज इस प्लांट में ना हो, कम से कम इस प्लांट में डिजीज हो, तो आपको करनी क्या है, सिर्फ आप ओवर वाटरिंग से इस प्लांट को बचानी है। अगर आप ओवर वाटरिंग ना करें तो इस प्लांट को बहुत सारे डिजीज से आप बचा सकते हैं। अगर आपके प्लांट में बाय मिस्टेक हो भी जाते हैं तो आप इंसेक्टीसाइड सॉप का स्प्रे अपने प्लांट पर करते रहें। नीम ऑयल का स्प्रे भी इस प्लांट पर कर सकते हैं और जब भी आप स्प्रे करते हैं
तो कोशिश करें बिल्कुल इवनिंग में आप स्प्रे करें। और कभी भी आप इसमें एक मिस्टेक ना करें फ्रेंड्स, सनलाइट में आप इसमें वाटरिंग ना करें। जब भी आप वाटरिंग करें या तो इवनिंग में करें या फिर अर्ली मॉर्निंग में देने की कोशिश करें, क्योंकि सनलाइट में वाटरिंग करने से बहुत सारे डिजीज हमारे प्लांट में होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इस बातों को ध्यान दें। अब हम इसके प्रोपिगेशन की बात करें तो इसका प्रोपिगेशन बहुत ही सरल है और बहुत ही इजी है। आप इसे स्टीम कटिंग से सॉइल में या वाटर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप इसे सॉइल और वाटर दोनों में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट थोड़े से टॉक्सिस है, इसलिए फ्रेंड्स अपने बच्चों और अपने पेट्स को इस प्लांटों से दूर रखें। अगर इसके ब्रांच को तोड़ते हैं फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं एक उजले उजले से दुधिया पदार्थ निकलते हैं। ये देखिए, ये थोड़े से टॉक्सिस होते हैं, यानी कि इस दुधिया पदार्थ से आप अपने बच्चे और पेट्स को बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। यानी कि जब भी आप इस प्लांट की प्रूनिंग करें तो हैंड ग्लव्स का यूज आप जरूर से जरूर करें, इस बातों को ध्यान दें। लगभग सभी बातें इस प्लांट के बारे में जान चुके हैं, अब थोड़े से फर्टिलाइजर के बारे में जाने जिससे इसकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से हो। तो आप इसमें फ्रेंड्स आप काउडंग फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं या फिर एनपीके फर्टिलाइजर भी इस प्लांट के लिए उपयुक्त है। मंथ में कभी कभी इस प्लांट में डाल दें जिससे इस प्लांट की ग्रोथ और भी अच्छी तरह से हो और आपके प्लांट हेल्दी और स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स लगभग सभी इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में दे चुकी हूँ। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो इस प्लांट से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।